बेटी हो, चाहे समाज में यश हो, ये ऐसे नहीं मिलता है। इसके पीछे बहुत कर्म करने पड़ते हैं। दो बात आपके बीच में, क्या दिल्ली के अंदर एक बहुत धर्मात्मा सेठ जिसका दान पुण्य में धर्म क्षेत्र में एक विशेष पकड़, जिनका नाम शेख ताराचंद, दयावती सेठानी, एक 6 साल का उनका पुत्र जिसका नाम चंद्रगुप्त, चारों तरफ उनके नाम का डंका बजा करता था। कई धर्मशालाएं, 5 शालाएं, 2 शालाएं उनके नाम से चला करती थी। समाज में उनका बड़ा अदब था, राम राम थी। एक उनका छोटा भाई जिसका नाम हरिराम, धन उसके पास भी उतना ही, लेकिन वो दान नहीं करता था, धर्म नहीं करता था। उसके भीतर में ये बहम, क्या भाई किसी भी तरह से इस तानाचंद के नाम को नीचे किया जा। मन में गलत विचार धार के वो सेठ मणि हरिराम उस सेठ तानाचंद के साथ सत्संग करता है। अरबे संगत से किसी भी हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसका असर जरूर पड़ता है। उस हरिराम के संग से वो सेठ ताराचंद धर्म क्रम में उसका ध्यान हट जाता है। जैसे ही दान करना बंद किया, चारों तरफ से गर्म हवाएं शुरू हो जाती हैं। बढ़ा पूरा परिवार, 6 साल का बालक दयावती सेठानी, लंबा चौड़ा कारोबार, चारों तरफ अंधकार छा जाता है, सारा कारोबार ठप हो जाता है। सजनों, इंसान को सुख के समय धर्म को याद करना बहुत जरूरी है। जब व्यपता पड़ रही हो, तंग हो, तकलीफ हो, जब वो गंडे डोरे भी करता हंडेगा, वो मंदिर शिवाला में भी गौवा डोर अभी हंडेगा, चक्कर काटता सानी गिरता व्यपता में। सच्चाई ये है कि जो इंसान सुख और समृद्धि के अंदर अपने धर्म को याद रखता है, वो समर्थ रहता है। धर्म छोड़ने से उससे ताराचंद के घर में इतना टोटा आ गया कि टुकड़े तक का, दाने तक का मोहताज हो गया। दयावती सेठानी कह लगी, महाराज न्यू तो पार को ना पड़े, के करें कि अपने 6 साल का बच्चा, आप बताते थे कि कापुड़ के अंदर आपका मित्र रहता है मनसा सेठ, उसके पास चले जाओ और इस बच्चे को ले जाओ, 200 रुपया में इसको गिरवी रख दो और घर का काम चला लो। नवलारे सेठानी, तू माँ हो के ऐसी बात करती है? नवली, महाराज माँ हूं जब भाई ये बात कर रही हूं। नाम श्री कृष्ण सच्चे का मर्दे बीच घुटा लेंगे, आगे धर्म नहीं छोड़ रहे, हम दोनों अरफ उठा लेंगे। सेठ सेठानी तेरे पूत ने गोड्या बीच लौटा लेंगे, रहा नफा और गया यो टोटा ते पूत ने फिर छुटा लेंगे। श्री कृष्ण जी को रटते रटते थम घूट सबर की भरायो, मनसा सेठ बसे आपुड़ में उनके सुप्रत कर। सेठ ताराचंद अपने 6 साल के बच्चे को लेकर और कहां के आपुड़ के अंदर सेठ मनसा के यहां पहुंच जाता है। आवाज लगाई डोढ़ी बजा के, किरा भाई मनसा, जानी पहचानी आवाज कान्ना में पड़ी। एकदम ने घा उठाई वो बई खत्या मलीन के, बे को जानी पहचानी सी बात दिखी। नजर ठाक देखा तो सेठ ताराचंद दिखा, आग बिछ गया। नुबला राज यो कृष्ण भगवान ही सुदामा की कुटिया पर क्यों करे। नुबला वो ताराचंद को ना जो सा तू मान रहा है। 6 साल के बच्चे को अपने पीछे से निकाला। सजनों, नुबला रे इस बालक ने क्या तल्यावत था तू गेल,
जैसने गोदी ले आया होगा तो तेरे गोडे टूट गए होंगे, और जब पाए लाया होगा तो तने छोरा मार दिया होगा। नवला भाई इस छोरे एक काम मारे, हम 200 रुपये दे तेरी छोरे ने राख ले। नवलारे के 200 रुपये तेरी खातर खजाना खाली कर दू भाई, लेकिन वह छोरा नहीं रखा जागा। नवला वह छोरा तो मैं देख जागा, चाहे मन किशोर का बाल ना देखना पड़ियो, लेकिन तन्न यो काम करना पड़ेगा। नबला मैं सेठानी तो पूछा हूं, सेठानी दो रेगा सेठानी तारा चंद आ रहा है के बहुत अच्छी बात, के या तो अच्छी बात आ रहा है लेकिन कुकर आ रहा या अच्छी बात नहीं है। सेठ जी टोटे बीच मरे से एक लड़के न ले फिर से, उसने गहने दर ऐसे उसकी उम्र से यानी वो लड़का से कुछ है साल का। नवली महाराज गड़ जावांगे नून की तरिया, छोरे न मत रखो। नवलिया वो नू कह मोर कदर दूंगा। नवली महाराज फिर यो तो और भी गलत बात, इस तरह अच्छा तो हमें राख लेंगे, अपना बेटा करके पालेंगे, इसकी पढ़ाई करेंगे, इसकी परवरिश करेंगे, किसे न किसे दान ये जो बच्चा इस सेठ के दन फेर देगा, इसने हटके फिर साहूकार कर देगा। सेठ सेठानी दोनों आए के भाई हम तेरे छोरे ने राख लेंगे, 200 रुपया की पोटली हाथ में ले रहे सजनों। आरु सेठ ताराचंद का हाथ में थमा दी, 6 साल का बालक था, बाज के अपने बाप की कोड़ी भर ली। नवला पिताजी आपके बिना मेरा जी नहीं लगेगा, आप मन गेल ले चलो। अपनी छाती से अपने बच्चे को हटाता है सजनों, और अपने बेटे को कहता है कि बेटे कमंड कर जाऊं तेरे ऊपर, एक दिन आऊंगा तने लेन में। सजनों एक ऐसी रागनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपका सुना सुनाया नहीं हो, लेकिन पंडित लक्ष्मीचंद की बात सुनने की नहीं होती है, पंडित लक्ष्मीचंद की बात तो महसूस करने की होती है। जिसका महसूस होगी वो पार उतर जाएगा, हरना तब देश हंड जमू बाता। जब पंडित जी इस बात को गाते थे, एक तख्त के कोने पे सेठ मनसाराम खड़ा होता था, एक तकत पे वो सेठानी खड़ी होती थी मनसाराम की, एक तकत कोने पे वो चंद्रगुप्त 6 साल का बालक खड़ा होया करता, और एक कोने के ऊपर लक्ष्मी बामन तारा चंद बन के खड़ा होता था। चारों को अलग अलग संबोधन है, सबको अलग अलग कहता है। सेठ तारा चंद अपनी छाती पाड़ के उनके शामी रखता है, और क्या क्या कहता है, हेलो 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 ये साथ दिया है, क्या क्या कहता है पहली बात में,
क्या बताए। बहुत ही आदरणीय है हमारे पूरे हिंदुस्तान की शान, मेरे बड़े भाई हैं और बहुत अजीज हैं, प्यारे हैं, बड़ी खुशी होती है भाई से मिलकर। आदरणीय पहलवान जी, श्री नांद पहलवान जी, 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। आदरणीय श्रीमान सिंह जी बामड़ा गांव से, श्रीमान जी 500 रुपए से इन बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, उनको बार बार नमन है, नमस्कार। मेरे बहुत ही आदरणीय श्री महावीर जी, बच्चे के दादाजी, 100 रुपए से आशीर्वाद बच्चों को देते हैं, बार बार नमन है, नमस्कार। रमेश सेठ के लड़के पवन जैन जी दिल्ली से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, सेठ जी को बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। क्या कहा मनसा सेठ को तारा जी, समान बच्चों का करते हैं, मास्टरियों को बार बार नमन है, नमस्कार। भाई नरेश कंकरवाल दारू गांव से, मेरे मित्र भाई, 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, भाई को बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। पन्नी गुजर श्रीमान जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। हेलो ले गया गांव से हमारे साथी भाई ललित शर्मा जी, 500 रुपए से मान सम्मान उसराम जाए करते हैं, भाई को बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। हेलो 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 भाई सोमवीर नंदगांव से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, भाई को बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। मोलड मेंबर साहब 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं, भाई को बार बार धन्यवाद। छत्रपाल सरपंच साहब
₹100 से मान सम्मान करते हैं भाई को, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। मुख्तियार लांबा जी ₹100 से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। नरसिंह पल जी महाराज ₹100 से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। ये हमारे आदमी है, ₹100 से मान सम्मान करके गए, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। सजनो दूसरी बात में वो उस मनसा सेठ की सेठानी को कहता है कि देवी जब मैं घर तक चलना था तो उस तेरी बहन ने एक संदेश कहा था कि उड़ा मेरी बहन मिलेगी, और उस मेरी बहन ने कह दिया कि बेबे मारे पे भीड़ पड़ रही है और तने मदद करनी पड़ेगी, न्यू करनी पड़ेगी जैसे उसने करी थी। ₹100 से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, मेरे बहुत ही आदरणीय बड़े भाई हैं, बहुत अच्छे हमारे साथी कलाकार भाई कमल सिंह लोवाणी, ₹100 से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। सुरेश नोबेद प्रकाशी पंडित जी महाराज ₹100 से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। पृथ्वी राव साहब ₹100 से बच्चों का मान सम्मान करते हैं, राव साहब को बार बार धन्यवाद है। मनसा सेठ की सेठानी को क्या कहता है कि देवी देखे तेरी खातर संदेश है, तुम्हें यो काम करना पड़ेगा। क्या गायक भी हैं भाई राजू नया गांव से ₹100 से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद।
मिस्त्री जी सहारनपुर से, मिस्त्री साहब 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। सतनारायण जी, देवकरण जी और श्रीनिवास जी तीनों अपने पड़पोते की इस खुशी में 100-100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं बार बार, नमन है नमस्कार। विजेंद्र पाल जी एकदमपुरा से 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। भाई ने 100 रुपए से मान सम्मान किया, बार बार धन्यवाद। सोनू तंवर जी दोड़िया 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। रमेश सेठ के लड़के अजय कुमार जी लुवाणी से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। तीसरी बात, मैं अपने 6 साल के बेटे को छाती पे लगा कर बोला, बेटे आऊंगा मैं, डरिए मत, एक दिन आवेगा उस दिन मत न लेना आऊंगा। और बेटे मेरे उस दिन नार नहीं झुकनी चाहिए, मेरा घमंड न्यूकानू रहना चाहिए कि वो सेठ ताराचंद का छोरा है। क्या क्या कहता है वो सेठ ताराचंद अपने बेटे को, क्या बताया। मेरे छोटे भाई हैं उमरावत गांव से बुरा फौजी, 100 रुपए से भाई का मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। पाला सरपंच साहब सांगा गांव से 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। पालू मिस्त्री जी लुवाणी से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। मां सिंह पहलवान जी बामणा गांव से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। मेरे साथी हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, भाई लालू कायला गांव से बहुत बढ़िया समाज सेवी हैं, और आजकल इनकी इच्छा है थोड़ा राजनीति में भी हाथ आजमाने की, भगवान इनको सफलता दे। भाई लालू कायला का बार बार धन्यवाद धन्यवाद। राजवीर सनोफेद प्रकाशी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, भाई को बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। अपने 6 साल के बेटे को क्या क्या समझाता है ताराचंद, क्या होता है। आदरणीय श्री ब्रजपाल जी 200 रुपए से मान सम्मान बच्चों का करते हैं, बार बार धन्यवाद धन्यवाद, क्या होता है। चरण सिंह छोटे भाई हैं हमारे संडवा गांव से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। देखे जे मेरा बेटा लायक हो जा ते इतनी बात तेरी, मत जननी का है दूध ल जाइए, उम्र पर
उर्फ बाल ठाकरे ये गायक भी हैं, गाना भी गाते हैं, 200 रुपए से भाई मान सम्मान करते हैं भाई को बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। सजनों आखिरी में वो मनसा से अटकना गया नुमदारा तारा चंदी अरे तड़के कार या सकू इसे रोड़ा में फंस रहे हैं हम, तन पानी तक पिया नहीं रहे, तू भोजन कर ले नुमदा मनसा सेठ के टुवत तड़ टू कुतरे कोन्या भोजन की एक पोटली बांधी नुमदारा तारा चंदी सन ले जा कितने राम है तन भूख भी लग गई भाई रोटी खा लिए फिर आगे की बात काट लिए सजनो एक हाथ में 200 रुपये और एक हाथ में वो भोजन की पोटली कांख में बोचली तारा चंद ने हर 6 साल का बालक ने छोड़ के और उड़ चल पड़ता है शर्मा जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद।